आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। आजकल देश प्रदेश में एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है और यह समस्या कहीं ना कहीं देश को बांटने की कोशिश कर रही है। अलग अलग मुद्दे तो पहले ही देश में खड़े थे, लेकिन अब ये धार्मिक मुद्दे इस कदर देश और प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं जिससे समाज में सांप्रदायिकता बढ़ रही है, जिससे समाज में एक दूसरे के खिलाफ कहीं ना कहीं हीन भावनाएं बढ़ रही हैं। आखिर कौन है ये लोग जो लगातार इन मुद्दों को हवा दे रहे हैं, जिससे समाज में इस तरह की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं जहां हम एक दूसरे को हीन भावना की नज़र से देख रहे हैं। अलग अलग मुद्दों को देखा जाए तो कई सारे मुद्दे इस वक्त देश प्रदेश में हैं जिस पर चर्चा होनी ज़रूरी है, लेकिन आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ये आज का और इस समय का सबसे गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इस मुद्दे से कहीं ना कहीं समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारी आपकी ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस विषय पर चर्चा करके इसका रास्ता निकालें और एक सभ्य समाज की स्थापना के लिए प्रयासरत हों। क्योंकि अगर इस तरह के मुद्दे जो धर्म के नाम पर खड़े किए जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लोगों को देखने पर मजबूर कर रहे हैं, अगर इस तरह के मुद्दे लगातार उठते जाएंगे तो कहीं ना कहीं देश में अराजकता फैलेगी, सांप्रदायिकता फैलेगी और हम एक दूसरे के अंदर ही एक दूसरे को दुश्मन समझने लगेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त अगर हम बात करें तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक अहम धार्मिक मुद्दा है जिसको लेकर के काफ़ी बवाल मचा हुआ है, जिस पर जो माहौल है वो लगातार ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे लगातार तनाव बढ़ रहा है, इससे लगातार सांप्रदायिकता बढ़ रही है, इससे लगातार जो अराजकता का माहौल है वो बढ़ते जा रहा है और वो चीज़ है अजान और हनुमान चालीसा। लेकिन अब अजान और हनुमान चालीसा के बीच में बनाम शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आपस में टक्कर है किसके, अजान के और हनुमान चालीसा के। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब अजान होए तो मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा देने चाहिए और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो हम उसी दौरान हनुमान चालीसा का पाठ पूरे शहर में लाउडस्पीकर के जरिए करेंगे। ये शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी, उसके बाद अलीगढ़ में ये मामला उत्तर प्रदेश आ चुका है और उसके बाद अब बनारस तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है। लेकिन ये स्थिति उत्पन्न क्यों हो रही है, इस तरह की चीज़ें क्यों उत्पन्न हो रही कि हम एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से खड़े हो रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर सबको अपनी पूजा पद्धति करने का पूरा हक है, लेकिन कोई इसमें कुछ गलत भी ना करे और कोई गलत करने की सोचे भी ना। अगर कोई गलत करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें खड़ी की जाएंगी कि अगर अजान होएगा तो हनुमान चालीसा बजाई जाएगी या फिर हनुमान चालीसा होएगी तो अजान बजाया जाएगा और उसमें ये जो रस्साकशी खड़ी हो रही है जो कि सड़क से लेकर के सोशल मीडिया पर लगातार बड़ी होती जा रही है, विकराल होती जा रही है, इससे देश का, प्रदेश का, समाज का विकास नहीं होगा। इससे एक दूसरे के प्रति हीन भावना खड़ी हो रही है और होती जाएगी। इसलिए इस गड्ढे को पाटना, इस खाई को पाटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे और आपके बीच में एक बड़ी जो गहराई है उसे खड़ी करती जा रही है। लगातार ये मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। कुछ ऐसे भी धर्मगुरु, खुद को बताने वाले लोग थे जिन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके पर कार्रवाइयाँ की, जिसमें अगर हम बताएं तो पुलकित महाराज का नाम सबसे ऊपर है या फिर बजरंग मुनि का नाम सबसे ऊपर है। बजरंग मुनि जिन्होंने पिछले दिनों अभी ये कहा था कि एक विशेष संप्रदाय की महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप होना चाहिए,
पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई की और उन्हें सीतापुर से गिरफ्तार किया। और पुलकित मुनि, जिन्होंने ये कहा था कि हिंदुओं को भी आतंकवाद अपना लेना चाहिए, एक विशेष संप्रदाय के खिलाफ, एक विशेष धर्म के खिलाफ, और उनको भी गाजियाबाद पुलिस लखनऊ से उठा करके ले गई है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसे मामलों में सक्रिय है और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है और होनी भी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या फिर किसी भी अन्य धर्म के हो। अगर कोई इस तरह से सांप्रदायिकता फैला रहा है, एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक नजीर पेश करता है सरकार का, सरकार में पुलिस प्रशासन का, और उन लोगों का जो देश को समृद्ध बनाने में, जो देश को शांतिप्रिय बनाने में आगे आ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है इन जैसे कईयों के मन जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो ये कार्रवाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो लगातार हनुमान चालीसा और अजान को लेकर के काफ़ी बवाल है। कुछ लोगों का ये कहना है कि अब 5 टाइम पर दिन भर में जब अजान होगी उसी दौरान लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा भी बजाई जाएगी और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय भी बजाई जाएगी। बहुत अच्छी बात है, हमें अपने धर्म के लिए, अपनी पूजा पद्धति के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए, अपने देवताओं की पूजा करनी चाहिए, लेकिन क्या लाउडस्पीकर से बजा कर ही हम ये बताएं कि हम पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ये सब चर्चा के विषय हैं। फिलहाल इस वक्त देश प्रदेश कई सारी समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें कोविड है, कोविड की अगली लहर आने वाली है, जिसमें अर्थव्यवस्था है, जिसमें महंगाई है, रोजगार है, बेरोजगारी है। इन सारी समस्याओं के बीच अगर हम इस धार्मिक मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे, इस धार्मिक मुद्दे को उठाते रहेंगे, तो हम इन बाकी मुद्दों पर चर्चा कब करेंगे जो कि देश और समाज से जुड़े हुए हैं, जो देश और समाज के विकास के लिए हैं। फिलहाल आप कुछ बयान सुनिए, मैं आज इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा और मेहमानों से ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये लोग कौन हैं जो लगातार इस तरह के मुद्दों को हवा दे रहे हैं और देश और प्रदेश में एक नई तनाव भरी जो स्थिति है वो उत्पन्न कर रहे हैं। बयान सुनिए। हमने तो नहीं प्रचार किया, लेकिन हमने देखा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बेटियों के, कन्याओं के पैर धो रहे थे, पूजा पाठ किया, और ये जो तरीका है नवरात्र में वो किया गया। और बताओ साधु संत क्या कह रहे थे बेटियों के लिए, क्या मुसलमान भाइयों की बेटी के बेटी नहीं है, बहन नहीं है? लेकिन कम से कम अब जेल गया है, उस साधु की जानकारी होनी चाहिए कि वो साधु कहाँ कहाँ से घूम करके आकर के आया है। देखिए, हर चीज संविधान के दायरे में है, कानून के दायरे में है। अजान और हनुमान चालीसा दोनों जो मर्यादित हमारी पूजा पद्धति है, हम जिस पूजा पद्धति को अपनाते हैं, कहीं भी माइक का इस्तेमाल एक कानून के दायरे में होना चाहिए। उस कानून के दायरे में सबको करने का अधिकार है। ये वो लोग बात कर रहे हैं, राजनीतिक लोग जिनकी जिम्मेदारी थी कि महंगाई कम करते, बेरोजगारी कम करते, वो ये बात कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा कब होगी। मैं भी रोज़ हनुमान चालीसा अपने घर में पढ़ता हूँ, सभी को पढ़नी चाहिए, लेकिन हम हनुमान चालीसा पढ़ने के नाम पर अगर दूसरों को जाकर उनके घर पर उनको परेशान करें, पीड़ित करें, ये कभी भी ना भगवान हनुमान कहते हैं ना कभी भगवान राम कहते हैं। आप सबका सम्मान करिए, सभी की आस्था का सम्मान करिए, सभी के प्रेम भाव का सम्मान करिए। ठीक है, हनुमान चालीसा भी होनी चाहिए, श्रद्धा भाव से होनी चाहिए, अजान भी होना चाहिए, श्रद्धा भाव से होना चाहिए, लेकिन इन दोनों के सामंजस्य से राष्ट्र सशक्त होता है। इस तरह के मुद्दे को लगातार हवा देने के लिए जो दो नाम अभी मैंने आपके सामने रखे थे, जिसमें बजरंग मुनि और पुलकित महाराज, इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, इनसे पूछताछ हो रही है, इन्होंने इस तरह के बयान क्यों दिए ये जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर कुछ दिनों पूर्व की बात करी जाए, कुछ दिनों पुरानी बात की जाए, तो जब CA और NRC का प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस दौरान भी एक बहुत अहम बात कही गई थी, और वो ये थी कि कुछ ऐसे संगठन हैं जो लगातार इस पूरे मामले को हवा दे रहे हैं, और उसमें PFI का नाम सामने आया था। तो क्या इस पूरे प्रकरण में जो अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें भी कोई संगठन है? यही सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अश्विनी शाही साहब हमारे साथ BJP से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा मीसम जैदी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सुभाष यादव जी हमारे साथ जनता संघर्ष मोर्चा से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा अकील खान साहब हमारे साथ पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण वाजपेयी हैं जो कि सनातन महासभा के अध्यक्ष हैं। आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शाही साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा।
शाही साहब, अचानक से कुछ माहौल खराब सा लग रहा है, क्योंकि जो स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं लॉर्ड स्पीकर को लेकर, जो चर्चाएं हो रही हैं, जो लॉर्ड स्पीकर बजाने को लेकर के बवाल मचा हुआ है, इससे ऐसा नहीं लग रहा है कि स्थिति खराब हो रही है? और कौन है ये लोग जो इस तरह के स्थितियों पर बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं? नितिन जी, माहौल सच में खराब हो रहा है। माहौल खराब करने के लिए हिंदुस्तान में आप देखिए कितने नेता कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। आज बवाल किस चीज पर मचा हुआ है? बवाल अजान पर नहीं मचा हुआ है, बवाल मचा है लाउड स्पीकर पर। ये चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो मौलाना लोग हैं एक मस्जिद पर 4 लाउड स्पीकर लगाते हैं, और जबकि कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि 10:25 से 6 बजे तक कोई भी अजान या कुछ नहीं होगा, लेकिन फज्र की नमाज जो होती है वो 4:34 पर होती है सुबह। ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? न्यायपालिका का हनन है कि नहीं है? तो भाई, हमारे यहाँ भी कुछ क्रांतिकारी नौजवान, क्रांतिकारी साथी, या उसका रिएक्शन कहिए कि हनुमान चालीसा भी हम सड़कों पर पढ़ेंगे, चौराहों पर पढ़ेंगे। मुख्य मुद्दा यह है कि एक जो जनता जो एक जो कहते हैं कि उनको परेशान नहीं होना चाहिए, संविधानिक व्यवस्था है, न्यायपालिका की व्यवस्था है, जिसके बारे में सोनू निगम ने कह दिया कि मैं सोता हूं तो मैं सो नहीं पाता हूं, तो सोनू निगम खराब हो गए थे। इलाहाबाद में, प्रयाग में जो है, एक कुलपति महोदया ने अप्लीकेशन दे दिया, धड़ाधड़ सुनवाई हुई, क्योंकि उनके पति चीफ जस्टिस थे कहीं के। एक हाईकोर्ट के पीठ का जो है फैसला भी आया कि इतने डेसिबल से ऊपर बजाने के लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। कितने मस्जिदों में अनुमति है जरा बता दीजिए आप जी। तो वायलेशन कहां से शुरू हो रहा है? क्या मौलानाओं ने वायलेशन करना शुरू किया? कभी नहीं माना। और ये आज का आदेश नहीं है, ये आदेश हाईकोर्ट का कई साल पहले से आया हुआ है। तो संविधान की हत्या कहां हो रही है, न्यायपालिका की हत्या कहां हो रही है, ये दिख रहा है। हिंदुस्तान में माहौल बिगाड़ने की बात जो हो रही है, अब पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी ने भी, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या अपने धार्मिक जुलूस निकालने के लिए यहाँ पर वीजा लेना पड़ेगा किसी के मोहल्ले में जाने के लिए, या कहीं अनुमति हमको जो है किसी समुदाय से लेनी पड़ेगी? लोगों ने किस तरीके से हर शहर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, क्योंकि जब वहां से गुजर रही थी रामनवमी की झांकियां, तो लोगों के सर से ऊपर से पत्थर मारे गए। इसमें एक तस्वीर मैंने भी देखी शाही साहब, में एडमिट एक तस्वीर मैंने, ये भी माहौल बिगाड़ने की खराब। मैंने भी देखी रामनवमी का, जब वो यात्रा निकल रही थी, तो उस दौरान कई जगहों पर मुस्लिम भाइयों ने पानी पिलाया है, शरबत पिलाया है, तो ये तस्वीर देश की होनी चाहिए। नितिन जी एकदम सच कह रहे हैं कि हम लोग, अगर मैं अपने आज 40-45 साल पहले अपने बचपन में लौटता हूं, तो मुझे याद है मुहर्रम का ताजिया जो निकलता था वो हर हिंदू के दरवाजे पर जाता था, और वहां पर कुछ पैसे चढ़ाए जाते थे उस पर घर के बड़े बुजुर्गों के द्वारा। हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों से ये कहकर जाते थे कि ताजिया के मेला में जाना है, मुहर्रम का नाम नहीं जानते थे, तो ताजिया के मेला में जाना है, जाते थे हम लोग, तो वो सौहार्द था। लेकिन आज वातावरण किस तरीके से, अगर हाईकोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो फज्र की नमाज 4:30 बजे 4:34 पर क्यों होती है, ये उल्लंघन है कि नहीं है? और जहां दिन में जिस डेसिबल पर, परमिसिबल डेसिबल पर बजाने की बात हो रही है, कहीं बजता है? सिर्फ विरोध इस लाउड स्पीकर का हो रहा है, अजान का कहीं विरोध नहीं है, किसी ने कोई विरोध नहीं किया है। ठीक। आप मंदिर मस्जिद के अंदर बजाइए, आप मंदिर के अंदर बजाइए, ये सब जगह होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ लाउड स्पीकर का विरोध है और कुछ नहीं है। ठीक है शाही साहब, मैं आता हूँ आपके साथ। मिसम जैदी, आपको आवाज मिल रही मेरी? मिसम जैदी, आपको आवाज मिल रही? जी मैं सुन रहा हूँ। मिसम भाई, सुना आपने शाही साहब ने क्या कहा? जी मैं सुन रहा था। कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बावजूद इस तरह की जो चीजें आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ क्या माहौल आजकल बिगाड़ा जा रहा है या बिगड़ रहा है देश का, जिसमें नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम कई और मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते थे, लेकिन अगर हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिससे एक दूसरे के प्रति जो हीनता है वो बढ़ती जा रही है। तो क्या ये कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर इस चीज को उत्पन्न कर रहे हैं?
हाँ ये नितिन जी मैं कह सकता हूँ कि जानबूझ करके उत्पन्न करने वाली चीज तो कही जा सकती है, पर इससे नफरत नहीं फैल रही है। आपने अभी एक बार बताया कि रामनवमी के जुलूस पर मुसलमानों ने किस तरह से पानी बांटा, शरबत बांटा, लोगों में प्यार दिखा। देखिए ये मैसेज उनके लिए जाना चाहिए कि जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए हनुमान चालीसा की अगर बात है, हनुमान चालीसा आज से नहीं, अभी से पढ़ा जा रहा है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट दूसरी बार सत्ता में आई है तो हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। ये हनुमान चालीसा कई हजार वर्षों से पढ़ा जा रहा है, 1400 वर्षों से आजान भी हो रही है, मगर इसको दिखावा करने का जो काम किया है कुछ राजनीतिक पार्टियों ने, मैं नाम लूंगा तो कोई बुरा मान जाए, राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह से दिखावा करने का काम शुरू किया है, क्या आप बताइए नितिन जी, अगर आप घर जाते हैं या आप सुबह निकलते हैं तो आप पूजा करके नहीं निकलते हैं क्या? अब कल से आपके जितना भी यूनिट स्टाफ है वो प्राइम टीवी पर पहले एक साथ बैठ के पूजा करता दिखाए और उसके बाद काम शुरू हो, तो ये तो कोई जरूरी नहीं है। शाही साहब ये कह रहे हैं कि पूजा से या अजान से दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत है लाउड स्पीकर से। बिल्कुल सही बात कही, अगर लाउड स्पीकर की ये बात करते हैं तो हम शाही जी का समर्थन करते हैं, बिल्कुल समर्थन करते हैं कि लाउड स्पीकर, अगर कोई आदमी बीमार है, किसी आदमी को किसी तरह की प्रॉब्लम है तो लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए। मगर मैं शाही जी को ये बताना चाहता हूँ कि मुझे इनको ध्यान होना चाहिए कि जो अजान का वक्त होता है वो मुश्किल से 2 से 3 मिनट से भी कम होता है और बहुत जल्दी से अजान सिमट जाती है, उससे कोई प्रदूषण हानि नहीं होती है। और अगर उसको भी कहीं पर ये लगता है तो वो प्यार मोहब्बत से वहां के लोगों से बैठ के बातचीत करके उसको धीमा करा ले या उस दिन अजान ना कराए, ये तो आपकी तहत की बात है, बैठ करके बात कर लेने की। इस तरह से सोशल मीडिया पर आ करके, और क्या है नितिन जी, क्या है कि देखिए इस तरह से क्या होगा कि जो हमारे नौजवान है जिन्होंने इसका अभी ज्ञान नहीं है तो वो क्या कहते हैं, वो इस तरह से थोड़ा सा एक तरह से कहा जाए कि जिसको कहा जाता है कि इमोशनल हो जाएंगे और भावनाओं में पै करके वो कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं। उस कदम को रोकने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, ना कि अगर आप किसी की धार्मिक भावनाओं को बढ़ाएंगे नितिन जी तो आने वाले समय में ये दूरियां बढ़ती जाएंगी और हिंदुस्तान जो देश, हमारा भारत देश जो अखंड देश है, उस पर कहीं ना कहीं उसकी अखंडता पर और उसकी विश्वसनीयता पर और राष्ट्रवाद की जो बात करते हैं उस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान आ जाएगा। ठीक है शाही साहब कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर बाकी में बोला। शाही साहब क्या कह रहे थे, जल्दी से बात पूरी कीजिए। देखिए नितिन जी, अभी मीसम जी ने कहा कि 1400 साल से अजान हो रहा है, आपको 2-3 मिनट का अजान होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। 1400 साल पहले जब अजान शुरू हुआ था तो उस समय घड़ी नहीं हुआ करती थी, लोगों को बताने, और लाउड स्पीकर भी नहीं होता था, लोगों को बताने के लिए मौलाना साहब जो तनख्वाह पर पलते हैं वो चिल्लाते थे कि भाई अब उठ जाओ, और उनको जो कहना होता था अल्लाह एक है, एक ही अल्लाह है, जो भी कहना होता कहते थे वो। लेकिन मीसम जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो नमाज गलत हो रहा है उसको उतार देना चाहिए, उन्होंने कहा समझा लेना चाहिए, डेसिबल कम करा लेना चाहिए। भाई जब देश की अदालत ने अस्पष्ट फैसला दिया है कि आप 6 बजे से पहले नहीं करेंगे तो फजर की नमाज 4:34 पर क्यों होती है? ठीक है उसको बंद करने के लिए नहीं कहा इन्होंने। ठीक है, मैं आता हूँ। मिसम जी, मिसम भाई सुना आपने? मिसम जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अकील खान हमारे साथ मौजूद हैं, पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज से। अकील भाई, शाही साहब की बात आपने सुनी, उनको समस्या अजान से नहीं है, समस्या लाउडस्पीकर से है, तो इसका हल क्या है? और क्या आपको भी लगता है कि देश में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जो एक दूसरे के प्रति नफरत को बढ़ावा दे रही है? देखिए मैं आपको बता दूं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर बैठ करके कह रहा हूं कि अजान, अभी मीशम भाई ने भी कहा कि 1400 बरस पहले से अजान हो रही है, सच बात है, और शाही साहब ने भी ये बात कही कि उस समय ना घड़ी थी ना लाउड स्पीकर था, ये भी बिल्कुल सच बात है, और कुरान और हदीस की रोशनी में ये कहीं पर नहीं है कि लाउड स्पीकर से ही अजान दी जाए। लेकिन जैसे जैसे लोगों को सुविधाएं बढ़ती गई, उसी तरीके से चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, सब जगह पे लाउड स्पीकर का जब चलन बढ़ा, उसके मुताबिक लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से, धर्म को
अजान के टाइम पे मालिया अजान दे करके कुछ लोग सो जाते हैं, जैसे अभी साहिब साहब ने कहा कि फजर की नमाज, बिल्कुल सच बात है, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के मुताबिक उसका डिसिप्लिन चेक कराया जाना चाहिए, उसके लिए वो विभाग बना हुआ है, अगर उससे कहीं ज्यादा ध्वनि हो रही है तो उनपे कार्रवाई की जानी चाहिए, उनको चेतावनी दी जानी चाहिए कि इस बार तो छोड़ा जाए लेकिन आइंदा नहीं छोड़ा जाएगा। नहीं तो उसके लिए तो कई बार शायद आप लोगों को चेताया गया है। नहीं नहीं कहीं से नहीं, अगर इस तरीके का आपके पास कोई लिखित दिया गया हो मस्जिदों को तो आप हमें दिखा दीजिए। मान लिया कोई फरमान जिला प्रशासन से या लोकल प्रशासन से जारी किया गया होगा इसका नहीं कह सकते, लेकिन लिखित ये कहीं पर नहीं हुआ, उसके लिए तमाम चीजें मौजूद हैं कि हमें लाउड स्पीकर से कोई लेना देना नहीं है, हमें अजान देनी है हम अजान दे देंगे, जिसको नमाज पढ़ने जाना है उस हर मुसलमान को यह समय पता है कि फजर की नमाज कितने बजे होगी, अशर की कितने बजे होगी, क्यों शुरू हुआ, क्यों इसी पर अभी तक आप लोग काम कर रहे हैं। नहीं फिर वही, जब एक लाउड स्पीकर का ऐसा नहीं खाली मस्जिदों में है, ऐसा नहीं है, अभी आप कहीं चले जाइए किसी मंदिर के आसपास चले जाइए, सब मंदिरों पे लाउड स्पीकर लगे हुए, वहां आरती होती है, भजन होता है, कीर्तन होता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो क्या कहते साहेब साहब चार कह रहे हैं, अगर मंदिरों में 14 हरण बांध ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना देश के मुसलमानों को कोई दिक्कत है। वो कुछ लोग हैं जो इस तरीके की बात करते हैं जिससे समाज में नफरत फैले। शाही साहब ये भी कह रहे थे कि कई जगहों पर शोभा यात्रा निकाली गई है रामनवमी या नवरात के अवसर पे, तो आप लोगों की तरफ से, माफ कीजिएगा आप लोगों की तरफ से नहीं लेकिन कुछ लोगों की तरफ से पत्थरबाजी की गई है। नहीं नहीं वो गलत, जो लोग ऐसे हैं उनको चिन्हित करके कार्रवाई करनी चाहिए। अभी हमारे यहाँ पास पड़ोस में अभी 4 दिन पहले नवरात्रि थे, हमारे यहाँ शोभा यात्रा निकली, हम लोगों के संगठन के द्वारा, आप पता कर लीजिए, मेरे पास वो मोबाइल लेने में मैं आपको फुटेज दिखा देता, वीडियो दिखा देता कि हम लोगों ने अपने संगठन के द्वारा ठंडा शरबत लस्सी तक की हम लोगों ने अपने संगठन से जो शोभा यात्रा निकल रही थी उसमें जो जनमानस था उनको सब कुछ पिलाया है। ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण वाजपेयी भी हैं, सनातन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है देश प्रदेश में जिससे माहौल काफी बिगड़ रहा है, अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, कौन है लोग इसके पीछे? बात यह है कि जैसा शाही साहब कह रहे थे, बात जो है लाउड स्पीकर की है, बात जो है वो संप्रदाय उसकी नहीं है, और जो कनेक्टिंग एरियाज हैं जहाँ पे मुस्लिम और हिंदू रह रहे हैं, जहाँ हिंदू ज़्यादा हैं उन जगह पर छोटी मस्जिदें और तमाम मदरसे बना के उनको तब्दील करके मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, जहाँ 90% 95% हिंदू रहते हैं, वहाँ ये चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पर जो है विरोध हो रहा है, वहाँ पर हनुमान चालीसा की बात हो रही है, तो वहाँ हनुमान चालीसा तो होगी होगी, वो मना नहीं किया जा सकता है। ये केवल उद्वेलित लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो अब अपनी बात को कहना चाह रहे थे, अब कह रहे हैं अपने तरीके से, और वो हनुमान जी के भगवान हनुमान जी की माध्यम से कह रहे हैं, क्योंकि जीवित हनुमान जो देवता हैं हमारे हिंदुओं के वो हनुमान जी हैं। आप किसी भी बाहुल्य क्षेत्र जब जाएंगे, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ ऐसा कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन जहाँ 80% हिंदू है, 70% हिंदू है, 90% हिंदू है, जहाँ 95% हिंदू है, तो वहाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लाउड स्पीकर की जरूरत क्या है? 10 से 6 के बीच में जो मना कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो उसको खत्म कर देना चाहिए। जिन मंदिरों में अकील खान आपके बगल में बैठे, वो कह रहे हैं कि मंदिरों पे भी लगा है, चौर बढ़ा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, मंदिरों में जहाँ लगा है वहाँ बताएं ना आप, केवल लगा कहने से नहीं होगा, क्योंकि मंदिरों में आरती होती है और आरती के बाद बहुत दूर तक नहीं जाती है, और ये कहा भी गया है कि धार्मिक स्थलों के अंदरूनी जो इंटरनल एरिया है, जहाँ अंदरूनी एरिया है वहाँ पर आरती होती है। हम लोग तो स्वयं इसको मना करते हैं, और सनातन धर्म का तो काम ही है, ये मानवता को लेकर चलते हैं, सनातन धर्म आदि नहीं अंत नहीं, तो उसका मतलब क्या है? मानवता पर हम लोग निर्भर करते हैं, हम किसी को दुख तकलीफ नहीं देते हैं, हम तो कहते हैं कि जो जानवर काट के खाते हैं, जो मुर्दा खाते हैं, वो भी हमारे यहाँ नहीं है, वो वर्जित है हमारे यहाँ, हम नहीं खा सकते हैं, क्योंकि मारने के बाद ही खाया जाता है और उसे मुर्दा कहा जाता है, तो हमारे मुर्दे और जानवर के मुर्दे में अंतर क्या है? तो उसको भी मना किया जाता है। जब हम इतनी सोच रखते हैं कि चींटी मर जाती है और उस पर हम जहाँ चींटी होती है वहाँ आटा डालते हैं, वहाँ ऐसी चीज डालते हैं जिससे वो जिंदा रहे, तो फिर हम कैसे मार सकते हैं, हम कैसे अन्य समुदाय को नुकसान पहुँचा सकते हैं? हमारा कोई नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं है, इरादा सिर्फ इतनी बात है कि आप उन जगहों पे लाउडस्पीकर तो हर जगह से हटा दीजिए, और उन जगहों को मदरसों को मस्जिद में क्यों बदलते जा रहे हैं? अभी विकास नगर में सिखुपुरा कॉलोनी में 3 मुस्लिम परिवार है मात्र, और उस गली में सारे हिंदू हैं, उनकी कंप्लेन करने पर हम लोग वहां गए और वहां से लाउडस्पीकर जबरदस्ती हटवाना पड़ा।
ये अभी चार दिन पहले की बात है, तो उनको नुकसान हो रहा है, उनके एग्जाम चल रहे हैं, परीक्षाएं चल रही बच्चों की, सुबह 5 बार उस पर मदरसे पर मस्जिद बनाने का क्या मतलब था, उस पर लाउडस्पीकर लगाने की क्या जरूरत थी, हैदरी मस्जिद बनाने की क्या जरूरत थी, हैदरी मस्जिद बना के उन जगहों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सबसे पहली बात गोमती को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उस पर भी हम लोगों ने अभी जांच बैठा रखी है। तो ये सारी चीज हम उन जगहों को चिन्हित कर रहे हैं, हम नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कर रहे हैं। हनुमान जी हमारे इष्ट देव हैं, उनको आगे रख के बताया जा रहा है कि गलत हो रहा है, इसको रोकिए और शांति से बैठ के इसको रोक लिया जाए, इसमें कोई भी नुकसान किसी का नहीं है और हम कहीं लड़ना नहीं चाहते। अखिल साहब क्या कह रहे थे, जल्दी से बात। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे ये डॉक्टर भैया जी, डॉक्टर साहब कह रहे थे, तो अगर आपको किसी मुसलमान ने पूरे हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए रोका हो, कहीं पर विरोध किया जाता हो, तो आप बता दीजिए। जहां तक अभी कह रहे मदरसों की बात है और मंदिरों पे नहीं है, तो हम लखनऊ के अंदर कम से कम 50 मंदिरों पे आपको सुबह 4 बजे से लेकर के और 7 बजे तक की 8 बजे तक की उसमें कैसेट लगा करके और परमानेंट बजाया जाता है, लेकिन हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ना हमें कोई आपत्ति है। उनका धार्मिक मामला, वो अपने धर्म को जिस तरीके से माने, हमारा उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है बात जी। देखिए बात यह है कि हमें, हम कह सकते थे, लेकिन अभी कुछ ऐसा कुछ रहा था कि हम कह नहीं पा रहे थे। तो ये सीधी सी बात है कि जो माहौल बना है, जो व्यवस्था आई है, उसके अंतर्गत हम कह पा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, अपने तरीके से कह रहे हैं, आज तक हम कह नहीं पा रहे। ठीक है। जनता संघर्ष मोर्चा से सुभाष यादव जी हमारे साथ हैं। सुभाष जी, एक माहौल जो देश प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है, आपको नहीं लगता इससे कहीं कानून व्यवस्था को दिक्कत है, इससे कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द बिगड़ रहा है, आपसी तालमेल बिगड़ रहा है, क्या कुछ लोग जानबूझकर इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? नितिन जी, अभी सारे जो पैनलिस्ट बैठे हुए थे, सबकी मैंने बातें सुनी, तो यहाँ पे जो बातें चल रही थी, जाहिर सी बात है ये एक दूसरे के जो धर्म का जो है सम्मान तो कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे एक बहुत किसी मशहूर शायर का एक शेर याद आ रहा है कि उसके फरोगे हुस्न से चमके सब में नूर, शम में हरम हो या कि दिया सोमनाथ का, शम में हरम हो या कि दिया सोमनाथ का। तो यहाँ जो विवाद हो रहा है ना, यहाँ पे किसी के धर्म को या मजहब को लेकर विवाद नहीं हो रहा है, यहाँ विवाद हो रहा है लाउडस्पीकर को लेकर। अब लाउडस्पीकर जो है ना, लाउडस्पीकर पे अजान देना या लाउडस्पीकर के ऊपर हनुमान चालीसा की बात करना या उसके ऊपर आरती वगैरह उतारना, ये किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है, चाहे वो मुस्लिम संप्रदाय का हो चाहे हिंदू संप्रदाय का हो, वो किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। अब अजान को लेके इशू बना के या हनुमान चालीसा को इशू बना के दोनों धर्म के लोगों के बीच का जो पारिवारिक सौहार्द बना हुआ है, जो भाईचारा बना हुआ, उसको बिगाड़ने का जो कुछ असामाजिक तत्व जो प्रयास कर रहे हैं, ये जाहिर सी बात है, वास्तविकता भी है। यहाँ पे अकील जी ने जो बात बोली थी कि हमें वो डॉक्यूमेंट्स दीजिए जहां पे सरकार ने बोला हो कि नहीं आप मस्जिदों से अजान का जो हो रहा है लाउडस्पीकर उसको उतार दीजिए, तो 15 जून 2020 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहाँ के गाजीपुर के सांसद अब्दुल्ला अंसारी की याचिका दाखिल हुई अजान के ऊपर ही लेकर, उसके ऊपर कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट आदेश दिया था कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर के ऊपर अजान नहीं होगी। अखिल खान जी, इसको आप सर्च कर लीजिएगा और जाहिर सी बात हाईकोर्ट की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। आप बोल रहे थे ना कि मुझे दस्तावेज दीजिए, तो दस्तावेज अभी भी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसके ऊपर हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि रात को 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आप अजान लाउडस्पीकर पर नहीं बजा सकते। मुअज्जिन जो है वो मस्जिद के ऊपर खड़ा होकर एम्पलीफायर के बिना अजान दे सकता है, न कि लाउडस्पीकर से। तो इसको भी आपको गौर करने वाली बात है, क्योंकि इसके पहले भी अजाने होती थी, किसका मतलब ये नहीं था कि अजाने नहीं होती थी उसके अंदर की मस्जिद के अंदर, वहां पे लाउडस्पीकर थे नहीं थे। यहाँ पे बात यह आ रही, एक दूसरे का जो धार्मिक सौहार्द वो बिगड़ना नहीं चाहिए। अब मुस्लिम भाई अजान देते हैं तो हमारे कुछ कट्टर हिंदू भाई भी हैं, उसके अगेंस्ट चले जा रहे हैं कि नहीं अगर ये बंद नहीं करेंगे तो हम रामचरितमानस का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे, जो भी करेंगे ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ ये विरोध का तरीका नहीं है, प्रशासन के पास अपनी बात को रखें, प्रशासन ने जो ऑर्डर जारी किया उसके माध्यम से लाउडस्पीकर जो है उनको उतारे जाएं, आपसी भेदभाव बिगाड़ने का कोई प्रयास न करें, क्योंकि आपसे ही हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है ये कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व जो बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो अपने मनसूबे में कामयाब हो भी जाएंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ जैसे कि प्रवीण वाजपेयी जी हैं, इनके भी कई मित्र होंगे मुस्लिम, क्या उनसे दोस्ती खराब करते होंगे या उनके सुखों में उनके दुखों में शरीक नहीं होते होंगे? मीसम जयदीप जी हैं, क्या इनके कोई हिंदू दोस्त नहीं होंगे? मेरे अश्वनी भाई हैं, क्या इनके कोई मुस्लिम दोस्त नहीं होंगे? हम सबके कहीं ना कहीं हमारे जो आपस के समाज के अंदर एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं जुड़े हुए, लेकिन यहाँ पे हमको एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। बीमारी वाला बहाना नहीं कि बीमारी है तो वहां पे आवाज कम करो, ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट हो गई या हाईकोर्ट हो गई, उसके न्यायालय के आदेशों का पालन करना चाहिए, चाहे वो हिंदू संप्रदाय के लोग हो चाहे मुस्लिम संप्रदाय के लोग।
ठीक है मिसम भाई, आपने शाही साहब की बात सुनी थी कुछ देर पहले, उन्होंने एक जवाब दिया था आपको, उन्होंने ये कहा था कि आपने जो नमाज का ये माफ़ कीजिएगा जो अजान का समय बताया कि 1400 वर्षों पहले शुरू हुआ था और उस दौरान घड़ी नहीं हुआ करती थी, लोगों को बताना नहीं पड़ता था और कई सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी, कोई जवाब? एक अजीब घड़ी में आप मिला के हमें डाल दिया है कि हम ऐसे विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। सर मैंने नहीं डाला है, मैंने नहीं डाला है, ये कुछ लोग हैं जो डालने की कोशिश कर रहे हैं देश को और इस पर चर्चा होनी जरूरी है। लेकिन भाई आपको याद होगा, बल्कि यहाँ पर हमारे बड़े बैठे हैं, हमारे सनातन धर्म सभा के प्रवीण वाजपेयी जी बैठे हैं, हमारे अकली भाई बैठे हैं, बड़े हैं हमारे शाही जी हैं, जिन्होंने अभी कहा कि मुहर्रम का जुलूस उठता था। आप यकीन जानिए नितिन भाई, हम लोग इन सब मुद्दों पर चर्चा करने से बचते थे। यकीन जानिए कि अगर कहीं पर कोई मंदिर होता था तो हम लोग उसका इतना एहतराम करके चले जाते थे कि संभाल के देखो कोई बच्चा, इधर देखो ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गुरुद्वारा, नहीं बेटा यहाँ पे ऐसे नहीं वैसे नहीं, यानी हम लोग ये करते थे। और आज से मेरी जो एज है वो 30-40 साल की एज आज मेरी हो गई, अभी नहीं कि मेरी 400 साल पहले की बातें बता रहा हूँ, अभी तक ये था। ये क्या वजह है कि एक रूलिंग पार्टी विशेषकर एक संप्रदाय से आती है बन करके और फिर सबको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है? हम चर्चा कर रहे हैं मजहब की, हम चर्चा कर रहे हैं हनुमान चालीसा की, रामचरितमानस की, हम रामायण की। आप ये बताइए कि अभी के लिए ये बात समझ में मेरी आती थी कि भारतीय जनता पार्टी जब आई तो बहुत से लोग ने जाना कि राम जय श्री राम कहना हमारा अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको जय श्री राम कहना सिखा दिया कि ये हमारा अधिकार है। और अब उन्होंने चलिए सिर्फ जय श्री राम कहना सिखाया था, अब मुझे एक बात प्रशंसा इस बात की भी है कि कंपटीशन धर्म में कंपटीशन हो रहा है नितिन जी, यानी अगर वो अजान दे रहे हैं तो हम रामचरितमानस, हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, यानी पढ़ना शुरू करेंगे, अब वो सीखेंगे। और जब वो वाकई जो हमारे सनातन धर्म के प्रवीण वाजपेयी बैठे हैं ये पढ़ते होंगे, पर ये बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता। अब बच्चे पढ़ना जब शुरू करेंगे तो उसमें वो तरंगा ढूंढेंगे हनुमान जी का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का, कहेंगे नहीं यार वो तो सबका साथ सबका विकास की बात करते थे, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम सबके थे यार, ये तो गलत बात है कि हम किसी धर्म को निशाना बना रहे हैं। तो अच्छी बात है कि जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनका मुंह काला हो जाएगा, क्योंकि लोग पढ़ना शुरू कर देंगे, लोग धार्मिक हो जाएंगे नितिन जी, लोग मंदिर जाना शुरू कर देंगे, लोग मुसलमान जो है वो कहेगा अरे अजान नहीं हो रही ऐसा अजान में क्या, वो अजान के बारे में जानना शुरू कर देगा, वो मस्जिदें जाना शुरू कर देंगे। और जब लोग धार्मिक होने लगेंगे तब फिर दुकानें बंद होने का नंबर आ जाएगा। तो अब ये होगा कि यार अब क्या छेड़ा जाए, अब ये छेड़ा जाएगा कि देखिए साहब हिंदुस्तान में हमारी आबादी है 80%, मुसलमान की आबादी है 20%, जहां ज्यादा कब्जा ये किए हैं, मस्जिदें ये ज्यादा बना रहे हैं या मदरसे इनके ज्यादा, साहब ऐसा है पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड एंड रूल बनाइए कि हम हमारी जो प्रॉपर्टी है मजहब की उसको बढ़ाया जाए, हमारे मंदिर छोटे पड़ रहे हैं। भाई आरती में हमारे बच्चे जागरूक हो गए, शाम को 6 बजे आरती होती थी, पंडित जी करते थे, एकाध कोई रिटायर्ड जो होते थे मैंने देखा हमारे सामने वो आकर के बेचारे करते थे, नौजवान नहीं रहते थे, लोग कहते थे कि अरे यार जब रिटायर हो जाएंगे तब आरती पूजा पाठ करेंगे। तो जब नौजवान भी आने लग जाएंगे तो जगह कब पड़ने लगेगी, जब जगह कम पड़ेगी तो फिर ये हमारी जगह मांगेंगे। मिसम भाई सुभाष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं मेरी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए जल्दी से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ऐसा है कि जब ये सब बातें आप करेंगे तो फिर समय मिलेगा तो फिर हम रोजगार की बात करेंगे, फिर हम जो है वो महंगाई की बात करेंगे, तो हम समय कहाँ देंगे आपको? सरकार बनने के बाद से लगातार हिजाब से लेकर के और अजान से लेकर के और क्या कहते हैं हर तरह का इस तरह से विवाद में हम फंसे हुए हैं कि आज हम चर्चा कर रहे हैं। अरे हमें शर्म आती है कि हम अगर कहें अगर हनुमान चालीसा कोई पढ़ रहा होता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा धार्मिक इंसान है, इससे कहीं गलती नहीं होगी, आप उस पर विश्वास कर लेंगे। और उसके बाद नतीजा क्या होगा? देखिए कोई आदमी चोला ओढ़ ले भगवा, मैं उसको हिंदू नहीं मानता। कोई आदमी टोपी लगा के दाढ़ी बढ़ा ले, हम उसको मुसलमान नहीं मानते। कृपया करके मैं शाही जी से और आपके सनातन धर्म के अध्यक्ष जी जो है हमारे अकील खान जी हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सुभाष यादव जी से कि कृपया करके उनको हिंदू मुसलमान से न जोड़े, ये उनका अपना पहनावा है, उनका अपना फैशन है। ठीक है सुभाष जी कुछ कह रहे हैं? सुभाष यादव जी की मैं एक बात की प्रशंसा करूंगा, बड़ी अच्छी बात कही, अरे भैया हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, बाप दादा यही कहते, हमारा तो पूरा कुनबा हिंदू है, सारे दोस्त हमारे हिंदू, हमारा गुरु हिंदू, हमारे खुद का टीचर हिंदू,
हमें यहाँ तक पहुँचाने वाले हिंदू, मैं हिंदुओं से कहाँ बचूंगा और हिंदू मुसलमान से कहाँ बचेंगे, ये तो दामन चोली का साथ है नितिन जी। ठीक है, ठीक, कृपया करके कुछ सरकारों से और कुछ राजनीतिक पार्टियों से मेरी हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कृपया करके वाकई अगर हनुमान चालीसा पढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब भी समझाएं नौजवानों। ठीक ठीक है सुभाष जी। नितिन जी, मैं मीसम जयंती जी साहब ने एक बात बोली थी कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं के अंदर ये भावना जागृत कर दी कि जय श्री राम बोले, तो मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि त्रेता युग से भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं और हमको भारतीय जनता पार्टी क्यों सिखाई, क्या हिंदुओं के अंदर ये चीज नहीं है क्या, या उनके अंदर ये सांस्कृतिक चीजें नहीं है कि जय श्री राम बहुत पहले से बोलते आए हैं, तो इस चीज का तो मैं खंडन करता हूँ कि भाजपा ने हमें सिखाया है, बिल्कुल गलत बात है ये। भगवान श्री राम सबके श्रद्धेय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, उनका सम्मान सदियों से होता आया है, उसके अंदर राजनीति वाली बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि जो रोजगार वगैरह की बात होती है या दूसरी जो बात अभी हमारे मिशन भाई कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये वास्तविकता सही बात करनी भी चाहिए, लेकिन अभी पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज के अकील खान साहब बैठे हुए हैं, मिशम जैदी साहब भी बैठे हुए हैं, 15 जून 2020 का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आदेश पारित हुआ है, क्या आप लोग उस आदेश की अवहेलना करेंगे? उस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मस्जिदों के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उसके ऊपर अजान नहीं होगी। उसके ऊपर मैं इनसे ये सवाल जानना चाहता हूं, जवाब जानना चाहता हूं दोनों व्यक्तियों से कि इसके ऊपर इन दोनों लोगों का स्टैंड क्या है, ये जरा मुझे क्लियर कर दे दोनों लोग। ठीक है मीसम भाई, सवाल सुना आपने? बिल्कुल, मैं आपके साथ, कतई नहीं होना चाहिए अगर उस जगह पर मुसलमान नहीं है, और मुसलमान तो छोड़िए नितिन जी, हमारे यहाँ तो अगर कोई बीमार है तो आप उसको असियत नहीं दे सकते, दीन में कोई जबर नहीं है, आप जबरदस्ती किसी को जगा नहीं सकते, जबरदस्ती किसी को नमाज पढ़ा नहीं सकते। बिल्कुल मैं इनके साथ हूँ, कतई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कतई। मैं आगे बढ़ करके मैं कहता हूँ कि कतई वहां पर लाउड स्पीकर तो क्या, वहां पर कोई तेज आवाज में बोल भी नहीं सकता किसी के दरवाजे के आगे अगर कोई आदमी इससे पीड़ित है तो। लेकिन किन्हीं चीजों को लेकर के, एक मामला होता अस्थाई, एक होता अस्थाई। अब अगर मान लिया आज के समय में रमजान शरीफ चल रहा है, रमजान शरीफ को भी आप छोड़ दिए, आइंदा के लिए हमारे यहाँ तो कस्बे में, हमारे यहाँ नगर पंचायत मोहना कस्बा पड़ता है, आप किसी से दरियाफ्त कर लीजिए, इतना साउंड ही नहीं है, इतना वो भी नहीं है कि मतलब किसी दूसरे को कोई दिक्कत परेशानी हो, लेकिन ये कह रहे हैं मैं इनकी बात का सम्मान करता हूँ और आगे से अगर इस तरीके की बात कहीं पर है तो मैं उसका पूरा सम्मान करूंगा। ठीक है शाही साहब, क्या कह रहे थे? आ रहा हूं सर आप लोग के पास। जी देखिए नितिन जी, बहुत चर्चा अभी हमने सुनी, दो तीन बातें जो खुल कर आई हैं। एक, सब लोग अभी आपने कह दिया कि भाई जब ये चीजें हैं तो विरोध क्यों, सही बात है। आपका जो सवाल था शुरू में कि ये क्यों हो रहा है और कौन लोग हैं करने वाले, सही बात। अब महत्वपूर्ण कौन कर रहा है इसकी तो बात हो गई, लेकिन कौन कर रहा है मुख्य बिंदु वो है, कौन करा रहा है इसको, इसके पीछे जाने की जरूरत है। और दो तीन उदाहरण के साथ मैं आपको समझाऊंगा, वो मैं बताना चाहूंगा। जैसे अभी देखिए खारगांव में जो दंगे हुए, कहीं दूसरे जगह के दंगे की फोटो लगाकर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, उसको हवा दिया, बाद में ट्वीट डिलीट किया और मुकदमा दर्ज हो गया उनके ऊपर। करौली में दंगा हुआ, कांग्रेस की सरकार उसके पहले PFI को, जो कि आज भारत सरकार उसको बंद करने की बात सोच रही है, उसको कोटा में जुलूस निकालने की परमिशन देती है और रामनवमी की परमिशन नहीं होती है। तो ये कांग्रेस का दोगलापन है, दोहरा चरित्र है। ये वो लोग चाहते हैं, उसको मैं मुस्लिम पार्टी कहता हूं। और आज मीसम जी की कुछ बातों को मैं ये कह रहा हूं कि एक तो यहां पर देश में एक और पार्टी है, उसके एक प्रवक्ता ने गणपति बप्पा मोरिया कह दिया था तो उनको माफी मांगनी पड़ी थी, बाहर समाज से बाहर कर दिए गए थे। मीसम जी ने तो इतना बड़ा दिल किया कि कम से कम 8 बार जय श्री राम बोला, इनको सलूट करना चाहिए। लेकिन यहां पर कौन सौहार्द बिगाड़ रहा है? मुलायम सिंह यादव जी मीसम जी की पार्टी के हैं, वो खुला कहते हैं कि मैंने इतने हिंदुओं को मरवा दिया, अब मैं क्या करूं मुसलमानों के लिए। ये है जड़। आज सर्व हर व्यक्ति चर्चा जो कर रहा है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि लाउड स्पीकर हटना चाहिए। और आपने सवाल भी कर लिया
भारतीय जनता पार्टी ने, अभी मीसम भाई ने कहा जिसमें सुभाष जी ने ऑब्जेक्ट किया, भारतीय जनता पार्टी ने जय श्री राम कहना नहीं सिखाया। ये जितने सनातनी हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, इस दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है जहां जय श्री राम और रामायण चलता है। आ रहा हूं मीसम भाई। थाईलैंड में जाके देखिए, वहां का तो राजा ही अपने आप को राम का अवतार कहता है। कोरिया की रानी आई थी तो राम का प्रेजेंस तो हर जगह है। आज उसको मानने की बात है, सौहार्द बिगाड़ने की जो राजनीतिक कोशिश प्रयास कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस आज प्रथम है, ये लोग इस सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो ये लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, ये 15 दिन पहले, 1 महीने पहले जो है कुछ मंदिरों में होता होगा। आरतियां तो हर जगह होती हैं और 90% आरती बगैर लाउड स्पीकर के होती है, तो ये होता। लेकिन आज जो है क्रिया की जो प्रतिक्रिया हो रही है, ये सिर्फ बताने के लिए हो रही है कि संविधान में भरोसा रखिए, न्यायपालिका का आदेश मानिए, कागज मत मांगिए, और उस चीज के बाद 6 बजे के बाद आप अजान करते रहिए, शाम को रात में 10 बजे तक करते रहिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन परसिमेबल डेसिबल पर करते रहिए। ठीक है शाही साहब, कोई कहीं विरोध नहीं कर रहा। ठीक, मैं आता हूं। मिसम क्या कह रहे हैं? नितिन जी, आपको मैं बता दूं कि जो अश्विनी भाई ने मेरे कहा है, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। अगर हम आपके दिलों में जय श्री राम के नारे के ऊपर मोहब्बत का पैगाम सीने में पहुंचेगा तो मैं 8 मरतबा नहीं 8,00,000 मरतबा जय श्री राम बोलूंगा शाही जी, 8,00,000 मरतबा, 8,00,00,000 मरतबा जय श्री राम बोलूंगा। अगर मोहब्बत बढ़ेगी तो 8,00,00,000 मरतबा बोलूंगा। और एक बात कहना चाहूंगा कि शाही जी, आप भी दिल बड़ा करके उन लोगों को भी रोकने का काम करिए जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो अपनी गद्दी पर बैठने के लिए और चाहे वो किसी भी तरह के लोह मोह और माया की वजह से। वो भी हिंदू थे अश्विनी जी के, जो बिहार में लाइन लगा करके मस्जिद की रखवाली कर रहे थे जब रामनवमी का जुलूस जा रहा था। वो भी हिंदू थे औरंगाबाद के अंदर के जो मस्जिद आने पर लाउड स्पीकर पर ऐलान कर रहे थे कि मस्जिद गुजर जाएगी, उसके बाद हम जो है वो क्या कहते हैं लाउड स्पीकर के ऊपर डीजे साउंड बजाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये हिंदू कहां चले गए, इनको बाहर निकल के आना चाहिए। और उन मुसलमानों को भी बाहर निकल करके आना चाहिए कि जो होली के दिन और दीपावली के दिन और हिंदुओं के हर त्योहारों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे, उन मुसलमानों को भी ढूंढ कर निकालिए। और चुनाव राजनीति ये देश में होती आई है, होती रहेगी, मगर मजहब के नाम पर राम और रहीम को पढ़ने न दीजिए नितिन जी, वरना बड़ा मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, हम अपने बच्चों को क्या जवाब दें? इसीलिए मैं इस चर्चा को आज मैंने इस चर्चा को इसीलिए बुलाया भी है ताकि हम इस पर चर्चा करके इसका रास्ता कुछ निकालें। वाजपेयी जी क्या कह रहे हैं? मेरा कहना ये है कि मजहब के नाम पे कुछ हो नहीं रहा है, ये बनाया केवल जा रहा है। बात ये हो रही थी हम जो नहीं कह पा रहे थे, जो नहीं कर पा रहे थे, वो 10% लोग जो कर रहे हैं वो अब सारे लोग मिलके सामने आ रहे हैं, पहली बात। दूसरा ये कि जो गंगा जमुनी तहजीब की बार बार होती है गंगा जमुनी, गंगा जमुनी तहजीब है कहाँ? गंगा जमुनी तहजीब बराबर से हो, नहीं तो उसको तो हम ही आपने मिलकर खत्म कर दिया। हम बराबर से करते हैं ना, जब आप सम्मेलन की बात करते हैं कि धर्म सर्वधर्म की बात करते हैं, तो सर्वधर्म में वहां हिंदू की संख्या होती है, वहां मुस्लिम संख्या होती नहीं है। हम बराबर उस पर काम कर रहे हैं, बराबर हमने दोनों को बिठाया वहां मंच पे। तो मौलाना होते हैं, पंडित होते हैं, लेकिन भीड़ में जो है वो सिर्फ हिंदू होते हैं। मंदिर में क्या मुस्लिम जा सकता है? क्या मुस्लिम जाता है? सौहार्द की बात करते हैं, मुस्लिम चले मंदिर, आने को तैयार है, कोई मना नहीं कर रहा है मुस्लिम को। लेकिन हमारी आपकी मजारों पे, मुस्लिम की मजारों पे, इस्लाम धर्म की मजारों पे और तमाम जगहों पे, देवा शरीफ, अजमेर शरीफ जैसे लोगों जगह पर, धार्मिक स्थलों पे क्या हिंदू नहीं जाता? सबसे ज्यादा हिंदू जाता है। तो हम बराबर से सौहार्द पैदा करेंगे, कहीं सौहार्द की बात खत्म हुई नहीं है। जो बार बार हम ये बोल रहे हैं सौहार्द खत्म हो रहा है, सौहार्द खत्म हो रहा है, कहीं सौहार्द खत्म नहीं हो रहा है। बात इतनी सी हो रही है कि जिन जगहों पे ज्यादा संख्या है वहां पे हमें डिस्टर्ब ना किया जाए, नंबर एक बात। नंबर दो कि जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का उसका पालन किया जाए। ठीक है सुभाष जी। प्रवीण वाजपेयी जी ने जो बोला अभी किसके अंदर के मुसलमान लोगों को मंदिरों के अंदर कोई रोकता नहीं है, तो पहले तो इनके सवाल को मैं काउंटर करूं और जवाब भी इनसे मांगूंगा कि डॉक्टर प्रवीण वाजपेयी साहब, मुझे जहां तक याद है और शायद सभी लोगों को पता होगा कि हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी साउथ के किसी तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर जा रहे थे, वहां पे उनको मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए प्रवेश पे रोक दिया गया। वो हिंदू नहीं है क्या? उनको किस आधार पे रोका गया? उसके सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए।
दूसरा आप जो बार बार बोल रहे हैं गंगा जमुनी तहवीज, वास्तविकता ही हमारा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत देश के अंदर गंगा जमुनी तहवीज पूरी प्रसिद्ध है। तो गंगा जमुनी तहजीब का मतलब यही है, जैसे आपने बोला कि जहाँ हमारी संख्या ज्यादा है वहां पे इनको कंट्रोल किया जाए, वो नहीं होता है। गंगा जमुनी तहजीब का मतलब ही होता है कि जहाँ हमारी संख्या भारी है वहां पे भी अगर हमारे मुसलमान भाई हैं तो अपने आप को असुरक्षित महसूस न करें, सुन लीजिए। दूसरा ये कि जहां पे मुसलमान भाइयों की संख्या ज्यादा है वहां पे अगर हमारे हिंदू भाइयों की संख्या अगर कम है तो मुसलमान भाइयों की जिम्मेदारी बनती है कि वो हिंदू भाई अपने आप को असुरक्षित महसूस न करें, ये होती गंगा जमुनी तहजीब। ठीक है वाजपेयी जी, कश्मीर में क्या हुआ था, वहां तो हिंदुओं की संख्या कम थी, उनको उठाकर मार के फेंक दिया गया। आज यहाँ पर दिखाएं आपको 350 परिवार यहाँ पर कैसे वो डेवलप हुए हैं, आपको दिखाते, कल ही आप आइए, कल ही दिखाते हैं इकट्ठा हो रहे हैं सारे लोग। आपने कहाँ पे देखा कि यहाँ पे मार के फेंक दिया गया, कश्मीर फाइल्स तो में देखा आपने? नहीं, कश्मीर फाइल्स की बात छोड़िए, ये तो बहुत पुराना मुद्दा है, बताइए ना तथ्यों पे आधार बताइए। सुभाष जी कहाँ देखा, बताइए। सुभाष भाई मेरी बात समझिएगा, ये पुराना मुद्दा है, ये आज का नहीं है। कश्मीर फाइल्स तो आज अग्नौती जी ने बना दी है, वो बहुत पहले की बात थी, बोला ही नहीं गया, कश्मीरी पंडित बोल नहीं पाए, कश्मीरी पंडित पिछले 5 वर्षों से हम लोग के संपर्क में हैं, वो चिल्ला रहे हैं, आज वो तो कश्मीर फाइल्स आगे जो चिल्लाना शुरू किए हैं। प्रवीण जी मैं भी वही बात बोल रहा हूँ कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं है, प्याज के छिलके निकालेंगे छिलका निकलेगा तो गंगा जमुनी बीत गया। नहीं वही दोनों तरफ से होगी ना, गंगा बीत गया है दोनों तरफ, प्रयास दोनों करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ व्यक्ति विशेष की बात नहीं की, मैंने दोनों धर्मों के लोगों को बोला है, प्रयास हमको दोनों धर्मों करना चाहिए। हम ये नहीं देख रहे की हमारी मेजोरिटी छोटे लोगों का स्वागत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्वागत करते हैं, अखिल भाई का स्वागत करते हैं, जयदीप साहब का स्वागत करते हैं कि हम लोग मंदिर के अंदर गले मिले, हम आके मस्जिद के अंदर गले मिले। लेकिन दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने कि रामनाथ कोविंद जी क्यों रोका गया तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रवेश करने से। तिरुपति बालाजी का जो मैनेजमेंट है उसका क्या सिस्टम है हमें नहीं पता है, इस बारे में हमको नहीं बोल पाएंगे आपसे अखिल भाई। और बाकी बड़ा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि हिंदू अपने जो भी सनातनी है अपने बड़े मंदिरों को स्वेच्छा से सरकार को दे रहा है, क्या मस्जिद बड़े जितनी भी हैं वो सरकार को दी जा सकती हैं? ठीक है अखिल भाई जवाब देंगे इसका। देखिए जहाँ तक कह रहे हैं वाजपेयी जी, देखिए मंदिर का निर्माण हो या मस्जिद का निर्माण जब होता है तो फोर्थ क्लास का और मजदूर जो लोग होते हैं वो लोग निर्माण करते हैं, लेकिन जब मंदिर बन करके तैयार हो जाता है तो वहां पुजारी जो नियुक्त किया जाता है तो वो कोई ब्राह्मण ही समाज का होगा, फिर वहां पर कोई दलित हो अनुसूचित जाति का हो वो पूजा नहीं करने जाएगा। और दूसरी बात, अगर मान लिया मैं अपने मजहब कर रहा हूं, मेरे यहां तो ये इस्लाम धर्म में है कि अगर नमाज से 10 मिनट पहले कोई कितनों बड़ा इंसान पहुंच गया है वो जाके अगली सब में बैठ गया, या कितनों ही गरीब आदमी है, बिल्कुल बहुत ही आप समझिए गरीब आदमी है वो जाकर के अगली सब में बैठ गया, उसके बाद फिर चाहे कितनों बड़ा मुसलमान का मतलब बहुत पेशेवर बहुत बड़ा आदमी हो, आलिम हो, उलमा हो, कारी हो, हाफिज हो, उस गरीब इंसान से ये नहीं कह सकता कि आप यहां से हट जाइए, फला इंसान आया है उसको बैठने दीजिए। तो हमारा इस्लाम धर्म जो है कहीं पर बराबरी का संदेश देता है, न कोई ऊंच है न कोई नीच है। नहीं तो आप, आप, आपके लिए तो कहा जा रहा है कि आप लोग हमारे मंदिर नहीं आते हैं, हम लोग तो आपकी मस्जिदों मजारों पे जाते हैं। हमारे बराबर में इस पास पड़ोस की आपको भी नितिन जी मालूम होगा कि माँ चंद्रिका देवी का मंदिर हमारे यहाँ BKT में बहुत बड़ा प्रसिद्ध है। हम लोग एक नहीं सैकड़ों बार वहां पर, और वहां पर एक नहीं सैकड़ों हमारे मिलने वाले लोग हैं, हम लोग जाते हैं बैठते हैं बातचीत करते हैं, ऐसा नहीं अभी कि हमारे बहुत ही संपर्क के हमारे वहां के जो साधु हैं महात्मा हैं हमारे टच में रहते हैं, हमारी कोई समस्या हमारी कोई जरूरत होती तो हम उनके पास जाते हैं। शाही साहब कुछ कह रहे हैं, शाही साहब कुछ कर रहे हैं, शाही साहब। देखिए अकील जी ने कहा कि कितना बड़ा हो और दलित बनाता है और हमारे यहाँ आगे, देखिए आपके धर्म में तो ये भी सिखाया जाता है कि अल्लाह ही सबसे एक है, तो चीज तो अल्लाह एक है। सुभाष जी ने कहा कि प्याज के छिलकों को मत निकालिए, नहीं तो आपके धर्म में क्या सिखाया जाता है, फिर बहस का मुद्दा दूसरा हो जाएगा। इस तरीके से जो है बहस जिस पर जिस गंभीर मुद्दे पर चल रही उस पर चलने दीजिए। अगर आप कहेंगे तो अभी 72 हो रहे और 75 हो रहे और ये सब चीजें आती क्या सिखाया जाता है, मिशन क्या पढ़ाया जाता है, ये अल्लाह एक है और एक रहेगा, दुनिया जान रही है, दूसरा नहीं है। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है ये दुनिया जान रही है, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है मदरसों में कंप्यूटर और साइंस की शिक्षा दी जाएगी। साहिब साहब सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, जिन मदरसों में गलत हो रहा है उनकी जांच करवाइए, जहां गलत हो रहा है जांच नहीं है, मदरसों में हम कंप्यूटर और साइंस की शिक्षा देने जा रहे हैं, उसका स्वागत है, बात ही नहीं है, उसका स्वागत है आपका। आप लोग क्या पढ़ाते हैं दुनिया जानती है,
फिर वही दुनिया तो जानती है, लेकिन आपने कहा कंप्यूटर साइंस की बात करें उसका आपका स्वागत है, इसको अच्छे मोड़ पर रहने दीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है। सुभाष जी क्या कह रहे हैं? जी मैं बोलना चाह रहा था, ये वास्तविकता है कि हम जिस मुद्दे पर बैठे हुए थे, लाउड स्पीकर वाले मुद्दे पर, अजान वाले मुद्दे पर, उस मुद्दे पर मैं अपने मिसम भाई का तो पूरी तरीके से धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा समर्थन भी किया और जय श्री राम भी उन्होंने कई बार बोला, और यहाँ तक कि हमारे हिंदू मुसलमान की एकता बनाने के लिए वो लाखों करोड़ों बार बोलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मोमिन भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहे हैं, बार बार उसी बात पे आ रहे थे कि नहीं, नहीं, मीशम भाई आवाज कम पता होनी नहीं चाहिए, डेसिबल मीशम भाई को पता नहीं, कौन सी ऐसी बात है जो नहीं पता है मीशम भाई, जय श्री राम कब से चालू हुआ बता दीजिए, जय श्री राम कब से चालू हुआ बताइए कि मीशम भाई को क्या पता है, 92 के बाद से हिंदुस्तान के अंदर जय श्री राम चला पहले, अरे आप कैसे कह सकते हैं भाई इस बात को, सीताराम 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 होता था हम भी जान रहे हैं, अखिल भाई सुन लीजिए, बिल्कुल गलत बात है। पहली बात तो आप इस तरह से बोल के आप ये साबित करना चाहते हैं कि मिसम भाई को उनके धर्म के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं, 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 नहीं है, आवाज मिल रही है आपको, नहीं, नहीं, दूसरा ये कि आप बोल रहे 92 जमात के बारे में नहीं पता है, सुन लीजिए भैया, सुन तो लीजिए, आप बोल रहे 92 के बाद, मेरी डेट ऑफ बर्थ 12 मार्च 1987 है और मैं समझता हूँ 4 या 5 साल बाद 6 साल बाद मुझे इतना तो नॉलेज हो गया था कि हाँ जय श्री राम बोला जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बोला जा रहा, आप बोलो सिर्फ 92 क्यों, त्रेता युग के अंदर भगवान श्री राम का अवतार हुआ था, सुनिए तो सुनिए, सीताराम सुन तो लीजिए, सुन ही नहीं रहे आप इस तरीके से फिर पुराने मुद्दे पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, मुद्दे पे मत भटकिए, जब मुद्दा यहाँ पे अजान के ऊपर आ रहा है, जब मुद्दा यहाँ पे लाउड स्पीकर पे आ रहा है, उसके ऊपर आप डिनाई क्यों कर रहे हैं, आपने पहले बोला कि कहीं लिखित में आदेश नहीं है, मैंने आपको बताया 15 जून 2020 का आदेश है, उसके बाद में भी आप बोल रहे हैं डेसिबल कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट का जजमेंट आया, हाई कोर्ट के अंदर स्पष्ट बोला गया है कि लाउड स्पीकर बंद कर देने चाहिए रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक, आपने उसके ऊपर एक बार भी अग्री नहीं किया कि हाँ मैं सहमत हूँ और मैं प्रयास करूंगा, जिस तरह का मिसम भाई ने ओपनली इस डिबेट के अंदर टीवी चैनल के माध्यम से उन्होंने बोला है, आपने एक बार भी नहीं बोला, आप बार बार पुराने मुद्दे उखाड़ने चले जा रहे हैं, अभी आपने बोला संविधान के बाद मदरसे के बाद, मैं आपसे एक सवाल करूंगा इस ओपन डिबेट के अंदर चैनल के अंदर, आप जवाब दीजिएगा कि कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे जो संविधान निर्माता उनका 131वां जन्मदिन मनाया गया था, आप एक मदरसे का मुझे फोटो लाके दिखा दीजिए यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई थी, आप मदरसों की बात करते हैं, मदरसे के अंदर आप सिर्फ धार्मिक तालीम देते हैं वहां पे आप, नहीं मदरसे के अंदर धार्मिक तालीम बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जो धार्मिक तालीम है वहां पर वही तो दिया जाएगा, लेकिन जो सरकार की मंशा है, अभी जैसे साहब साहब ने कहा कि हम साइंस और कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो हम तो कर रहे लाइए मदरसों में स्वागत है, नहीं ये भी गलत बात हो रही थी ना, ये भी गलत बात है ना, तालीम धर्म की अगर दी जाती है तो फिर ये आप स्पष्ट कर दीजिए कि मदरसों के अंदर, देख लीजिए नोट करिएगा मिसम भाई, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि मदरसों के अंदर, इन्होंने मेरी बात को पूरा समर्थन जताया कि मदरसों के अंदर सिर्फ और सिर्फ धर्म की तालीम दी जाती है, यानी यहाँ पे दूसरी तालीम नहीं दी जाती है, यानी कहीं ना कहीं कट्टर बनाया जा रहा है फिर मदरसों के अंदर तालीम देके, मदरसों में कट्टर नहीं, सुन लीजिए आपने जवाब दिया, मैंने नहीं बोला, आपने यही खुद बोला ये बात को, आप खुद बोल रहे हैं इस बात को, मैंने नहीं बोला, आपने खुद बोला कि हाँ मदरसों के अंदर धार्मिक तालीम ही दी जाती है, यानी धार्मिक तालीम दे के आप कहीं ना कहीं मुस्लिम नौजवान बच्चों को, उस युवा पीढ़ी को धार्मिक उन्माद की तरफ ढकेल रहे हैं, आप ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं, अश्विनी शाही साहब ने जो बोला कि हाँ कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी, साइंस की शिक्षा दी जाएगी, गणित की शिक्षा दी जाएगी, हिंदी की शिक्षा दी जाएगी, उसके ऊपर आपने एक बार भी समर्थन नहीं जताया, यानी आप खुद धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं आप, अच्छा ये क्या कह रहे थे कि मिसम भाई को ज्यादा जानकारी नहीं है, मिसम भाई को जानकारी नहीं है, इनको ज्यादा जानकारी है, मिसम भाई जो है सिया हजरात है इसलिए उनको आप कह रहे थे कि आपके धर्म में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अब आप सिया हजरात बता रहे हैं कि बिल्कुल है नितिन जी, ये अभी थोड़ी देर पहले है, अब सिया सुन्नी हो जो यहाँ पर शुरू हो गया, थोड़ी देर पहले हमारे हिंदू कम्युनिटी पे दलील सारी चीजें गिना रहे थे, सारा साइकिल बता रहे थे, आप सिया सुन्नी पे आ गए, है वो है जो अरे तो भाई फिर वही चीज, जो चीज है तो जो ऑर्डर आया है वो ऑर्डर क्यों नहीं मानते आप, बिल्कुल ऑर्डर माना जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है, आप एक्सेप्ट करिए कि हम ऑर्डर मानेंगे, बिल्कुल ऑर्डर माना जाएगा, जो हाई कोर्ट का डायरेक्शन है उस पे कहा जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा, तो आप एक्सेप्ट करिए कि बिल्कुल हम मान रहे हैं उसको, मानेंगे बोलिए उसको, नहीं नहीं कह तो रहे, कैसे कहा जाएगा, जो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया उस डायरेक्शन पे काम होगा, और अभी 2020 का डायरेक्शन है, आज तक उस पे आप लोग अमल नहीं कर पाए, नहीं तो सिर्फ अकेले मैं ही थोड़ी ना हूँ, इसी प्रकार मिसम जयती जी ने नहीं नहीं यही बात है, देखिए ये कहावत बिल्कुल गलत है, आप बोल रहे अकेले मैं नहीं हूँ, आप निकलिए तो सही, अगर आप 10 घरों के अंदर जाके 10 लोगों को अगर अपनी बात बोलेंगे, हो सकता है उसके अंदर एक आदमी आपकी बात से सहमत हो जाए, जिस प्रकार मिसम जयती ने समर्थन दिया था, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि एक मैं अकेला ही थोड़ी हूँ, ये तो गलत बात है, नहीं नहीं आप अपनी जिम्मेदारी से फिर बच रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं,
मस्जिदों में जाना पड़ेगा, बिल्कुल आपको जवाब देना भारी पड़ रहा है। सुभाष भाई, हमें कहीं से जवाब देना भारी नहीं पड़ा, जिसको जानकारी नहीं है जो मालूमात है उस चीज की बात होगी। ठीक है, समय का मेहमान है, जल्दी से बात कीजिए। ऐसा है कि इसके लिए आपके यहाँ एक बहुत अच्छा सिस्टम है जो हमने सुन रखा है कि मस्जिदें जो हैं वो जामा मस्जिद जुड़ी हुई हैं, और वहाँ पर जाके बैठक करके एक आदेश करिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए ये इतने टाइम तक अजान जो भी होगी हम लोग मुँह से करेंगे और 6 बजे के बाद ही हम लाउड स्पीकर चालू कर सकते हैं। तो ये मामला वहाँ से आ जाएगा तो आपके सारे मतलब रास्ता निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है, और जामा मस्जिद से निकाला जाता है आपके यहाँ रास्ता, जामा मस्जिद की सुनी जाती है, वहाँ के इमाम की, वहाँ के लोगों की सुनी जाती है। जल्दी से समय ईदगाह के जो जिम्मेदार हैं, आप समझ रहे हैं, उन लोगों के पास इन बातों का सारा इंतजाम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं से कुछ कमी हमारी है, जिनको हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया उस पर हमें अमल करना चाहिए, बिल्कुल सच बात, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमी है, उनको हम सुधारेंगे। अरे आप अपनी मस्जिद से जाकर पहले उतरवा दीजिए, आपके यहाँ जो पहली मस्जिद उतारने का कोई डायरेक्शन थोड़ी है, सोचिए कि आपने ये काम कर दिया। साहिब साहब, माइक को लाउड स्पीकर उतारने कोई आदेश नहीं है, 10 से 6 का सुभाष भाई ने मुझे बताया कि 10 से 6 बजे तक माइक की अजान नहीं होगी। परमिशन का भी आदेश है, ये भी पढ़ लीजिएगा, उसमें परमिशन भी है कि कितना डेसिबल होना चाहिए। डेसिबल की तो मैंने पहले ही कहा है कि डेसिबल की उसके चेक करके जो अधिकारी है वो विभाग है वो अपने जांच करे, अगर कमी है कहीं ज्यादा है अपने यहाँ से शुरू करिए। चैरिटी बिगेंस एट होम, अपने घर से शुरुआत कीजिए, आप अपने उसमें जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो देश प्रदेश में एक नए मुद्दे ने कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ बदलने की कोशिश की है, काफ़ी कुछ बदलाव लाने की कोशिश की है, लेकिन ये बदलाव बेहतरी की तरफ नहीं है, ये बदलाव एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं जो एक भावना ऐसी है जिसमें सांप्रदायिकता नज़र आ रही है, जिसमें कई और चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, वो खड़ा कर रही है। हमें आपको इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है, और विचार के बाद ही कहीं ना कहीं एक बेहतर रास्ता निकलेगा जो एक सभ्य समाज की स्थापना के लिए हमें और आपको आगे बढ़ाएगा। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।